अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए बहुत ही टेस्टी से ब्रेड पॉकेट की रेसिपी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इफ्तारी में खा सकते हैं आप, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और 3 से 4 दिन आप फ्रिज में रखकर इसको फ्राई करके आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से बनकर रेडी होते हैं। तो आज बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून भरकर तेल। अब डालेंगे 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो बिल्कुल सी ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे हमारे मसाले में। ठीक है, तो यहाँ पर अदरक लहसुन हम भून लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अदरक लहसुन हमारा भून चुका है, अब 1 कटोरी भरकर डाल देंगे हम शेडेड किया हुआ चिकन हमारा। अब यहाँ पर डालेंगे 2 से 2.5 टेबल स्पून भरकर बारीक कटी हुई कैप्सिकम। बारीक एकदम बिल्कुल बारीक काट लेना। और 4 से 5 हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है। 2 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे हम बारीक कटी हुई गाजर और 1 मीडियम साइज़ की हमने ली है प्याज। नमक डाल देंगे आपके टेस्ट के हिसाब से। 1 चम्मच के करीब आप डालेंगे कुटी हुई काला मिर्च। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है हमने। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसको भून लिया है, गैस रखे मीडियम टू लो। तो मीडियम टू लो गैस पर ही इसे अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि ये जो सब्जियां है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे हम चीज़। तो ये हमने चीज़ स्प्रेड लिया है, तो ये 2 से 2.5 चम्मच बड़े वाले हमने ले लिए हैं, 2 से 2.5 टेबल स्पून। और अब इसके अंदर डालेंगे हम केचप। तो केचप भी हमने 2 से 2.5 टेबल स्पून ही डाला है, ताकि जब हम खाएं तो ना केचप की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी, इसके अंदर पूरा पूरा फ्लेवर आ जाएगा। तो चीज़ अगर ये स्प्रेड वाला आपके पास ना हो तो क्यूब चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, 3 से 4 क्यूब्स आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि अच्छा सा जूसी और सॉफ्ट सा हमारा जो स्टफिंग है वो बने। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल से जूसी सा हमारा स्टफिंग दिख रही है ना। तो अब गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसको हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। अब इसके लिए हम ब्रेड यूज़ करने वाले हैं। तो 10 ब्रेड हमने ले लिए हैं, ब्रेड स्लाइसेस। और ब्रेड को हम पहले बेल लेंगे, अच्छे से इसको पतला करना है। तो बेलन से इसको अच्छे से फ्लैट कर ले, अच्छे से पतला कर ले, और इसके साइड्स को हम कट कर लेंगे छुरी से। तो यहाँ पे इसके साइड्स हमने काट लिए हैं और इसी तरह हम बाकी भी जो ब्रेड स्लाइसेस हैं इसको भी इसी तरह हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ, तो इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। अब ये स्टफिंग हमारी हो चुकी है अच्छे से ठंडी। अब इसके अंदर जाएगी मोज़रेला चीज़। तो 1 कटोरी भरकर मोज़रेला चीज़ लिए हमने। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो मोज़रेला चीज़ लो, या तो फिर जो क्यूब चीज़ आते हैं ना जो मार्केट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ से थोड़ा सा स्टिकी होता है ना, स्ट्रेची, तो वो बच्चों को अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमने चीज़ डाला है मोज़रेला। तो यहाँ पर चीज़ को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम खाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर ब्रेड। अब ब्रेड के अंदर हम स्टफिंग डाल देंगे जितनी हमको ज़रूरत हो, मतलब जितनी हमारी स्टफिंग आ सकती है। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर कर हमने लिया है और इसको हम अच्छे से फैला देंगे ब्रेड के ऊपर। और साइड में हम इसको लगाएंगे स्लरी। आप पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मैदे की स्लरी रहती है ना, तो इससे बिल्कुल खुलते नहीं है हमारे ब्रेड के रोल। तो यहाँ पर हमने साइड्स में चारों तरफ से स्लरी लगा ली है। तो इसको अब हम फोल्ड करेंगे आराम से इस तरह से। ठीक है, तो बीच में हमारी स्टफिंग आ जाएगी। साइड से हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारे जो ब्रेड पॉकेट है ये खुले नहीं। तो अच्छे से प्रेस कर लिया है हमने। तो इसी तरह हम सारे के सारे ब्रेड पॉकेट बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी थे हमारे पास ब्रेड स्लाइसेस, उतने हमने बना लिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब और अंडे से कोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 2 अंडे लिए, अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा सा आप पानी भी डाल सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून अंडे फेंटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अंडा को अच्छे से फेंट लिया है। अब पॉकेट हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करते जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब और अंडा हम लगा लेंगे, ताकि अच्छे से कोटिंग हो।
और जब हम फ्राई करें इसे तेल में तो हमारे पॉकेट बिल्कुल भी खुले नहीं है, तो इसीलिए अच्छे से इसको हम बंद करके लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से हम ब्रेड क्रम्ब लगा लेते हैं और यहाँ पर इसी तरह हम बाकी सारे भी ब्रेड के पॉकेट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये सारे के सारे पॉकेट बना देंगे हम और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। जितनी ज़रूरत हो उतनी फ्राई करें और 3 से 4 दिन आप फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है, तो एक एक पॉकेट उठाकर हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। जितने हमारी कढ़ाई में पॉकेट आएंगे उतने हम डालकर फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमने हाई रखी है, हाई फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करने वाले हैं। तो अच्छे से गोल्डन कलर करना है इसका। एक बार हमने इसकी साइड्स पलट ली है जबकि इसका कलर बिल्कुल हल्का सा है, तो इसको हम इसी तरह उलटते पलटते ही फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर है ना बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो और साइड्स जो है ना ब्रेड के वो जले नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा सा कलर आ चुका है और इसके पॉकेट को तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा सा क्रिस्पी सा हो गया है हमारा पॉकेट, तो ये सारे पॉकेट निकालेंगे और बचे हुए भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन ब्रेड पॉकेट बनकर रेडी है। तो आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।